और कबड्डी वर्ल्ड कप की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। 10 गैर मुल्की टीमें शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। वजीर खेल पंजाब तैमूर भट्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि खेलों की कोई सरहद नहीं होती, गैर मुल्की खिलाड़ियों के आने से मुल्क का नाम रोशन होगा, अवाम को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा मैचेस में शिरकत करें। इंडियन खिलाड़ी बोले कि पाकिस्तान आकर बहुत इज्जत मिली। ये लाहौर में होगा, उसके बाद ये टीम्स फैसलाबाद में जाएंगी और फैसलाबाद में 2 दिन मैचेस होंगे, फिर फैसलाबाद से गुजरात जाएंगी। हमारी तमाम तर टीम ने फैसलाबाद स्टेडियम, गुजरात स्टेडियम, यहाँ से फैसलाबाद का रूट, फैसलाबाद से गुजरात का रूट, तमाम तर जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उसमें जो हमारे अलाइड सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं और इस पर बहुत दिनों से हम डेली बेसिस पे मीटिंग्स करते आ रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि सब खैर वैफियत से अंजाम पाएगा और सब खैरियत से होगा इंशाल्लाह। ਆਪਾਂ ਜੇ ਉੱਪਰ ਓਲੰਪਿਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਕੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਾਕੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਟੈਫ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਖੇਡਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ। ਜੀ ਸ਼ਫੀਕ ਚਿਸ਼ਤੀ ਵੀ ਆ, ਹੀਰਾ ਬੱਟ ਵੀ ਟੀਮ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੱਛਾ ਹੋਗਾ।